हाय स्टूडेंट्स, तो दिस इज माय सेकंड लेक्चर ऑन साइंस सेक्शन। थीम है व्हाट इज एटम, एटम ATOM। देखिए, इन दिस वर्ल्ड हमारे इर्द गिर्द कितनी चीजें हैं। वी आर हैविंग मैनी थिंग्स अराउंड अस, लाइक बिल्डिंग्स, मार्कर, स्वेटर, हम खुद, फोन, सेल्फी स्टिक, फैन, ट्यूबलाइट, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। क्यों बता रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें बनी हुई हैं एटम्स से। जैसे बिल्डिंग बनाते हुए हम सबसे छोटी यूनिट यूज करते हैं ब्रिक, ईंट, इट। ऐसे ही कोई भी एलिमेंट बना होता है एटम्स से। एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, एटम्स, वो एटम्स ही रिपीट होते हैं जो उस एलिमेंट को बना देते हैं। सो व्हाट इज एटम? द वेरी बेसिक यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, द बेसिक यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड एज एन एटम। अब आप सोचोगे कि हर एक एलिमेंट है, मान लीजिए आपके पास दो एलिमेंट है। आपको मैं क्लियर करूंगा, बहुत ही सिंपल सा आइडिया। आपके पास एक आयरन का 1 kg का प्योर ब्लॉक है, 1 kg का, इट वेट्स 1 kg, ओके। और एक आपके पास कॉपर का 1 kg का वेट है। फॉर एग्जाम्पल, ये केजी कुछ भी मैटर नहीं करेंगे, बट फॉर एग्जाम्पल, तो आयरन में क्या होगा, अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि बार 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 कुछ रिपीट हो रहा है जिसने इस आयरन को बना दिया। सिमिलरली इसमें भी बार 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 कुछ रिपीट हो रहा है जिसने इस कॉपर को बना दिया। तो ये सारे एटम्स हैं आयरन के, जो आयरन बना रहे हैं, और ये सारे एटम्स एक दूसरे की हमशक्ल हैं। मान लीजिए मैं एक एटम इसमें से उठा लेता हूँ, ये आयरन का एक एटम है, एक एटम मैंने इसमें से उठा लिया, ये कॉपर का है। ये वाले सारे आपस में हमशक्ल है, बट ये इससे अलग है। पर अगर इसकी बात इसके अंदर करूं तो ये सारे हमशक्ल हैं। समझ पा रहे हैं? मतलब एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन द एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स। तो हमारे वर्ल्ड में अभी तक साइंस ने 118 एलिमेंट्स लिस्ट किए हैं जो एक दूसरे से अलग हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के डिफरेंस के बारे में बताऊंगा कि एलिमेंट कंपाउंड्स, एलिमेंट क्या है, प्योर स्टेट लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, यूरेनियम, रेडियम, थैलियम, पोटाशियम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देयर इज अ पीरियोडिक टेबल, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। 118 एलिमेंट्स को अरेंज किस तरीके से किया गया है। तो एटम क्या है, द बेसिक यूनिट। जैसे ईंट 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 जुड़ने से बिल्डिंग बनती है, ऐसे ही एटम 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 जुड़ने से एक प्योर एलिमेंट बनता है। एटम और मॉलिक्यूल में क्या फर्क है, ऑब्वियसली वो मेरी नेक्स्ट वीडियोज में आपको क्लियर होगा, बट फिलहाल आई थिंक अब इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल सुनो। मैं भी, इवन ह्यूमंस, हम बने हुए हैं एटम्स के। एटम रिपीट होते हैं, होते हैं, होते हैं, होते हैं, होते हैं, और एक ह्यूमन बन जाता है। ईयर में एटम्स हैं, ठीक है। जिस फोन से, जिस कैमरा से ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, वो भी एटम्स का बना हुआ है। कोई भी चीज आपके अराउंड जो आपको दिख रही है, द मैटर यू कैन सी दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स। ये है इंटरेस्टिंग बात। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें भी हैं एटम्स। सो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। ओके, सो दिस इज प्रोफेसर के फ्रॉम एमवेल एजुकेशन, एंड कीप सपोर्टिंग अस, गिव योर लव टू अस ऑलवेज। थैंक यू।